हेलो एवरीवन, आई एम सिंचल सोनी फ्रॉम कोटा, राजस्थान। तो सर, मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि जब मैं वन टू वन मीटिंग करती थी तब मुझे अच्छे से ऑफर प्रेजेंट करना नहीं आता था, अच्छे से पैकेजिंग नहीं करती थी। नेट मार्केटिंग सबसे बड़ी, अगर कॉम्पिटिशन की बात करूँ ना, तो कॉम्पिटिशन तो है नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लगता था कि सभी लोग सेम काम कर रहे हैं, मैं कैसे कर पाऊंगी। लेकिन जो 26,000 का किट है वो बहुत सारे मार्केट में लोग सेल कर पा रहे हैं। इट मीन्स वो सेल तो होता है और मार्केट में लोग हैं, वो ले भी रहे हैं और नीड है, लोग करना भी चाह रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो वन टू वन मीटिंग करती थी तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पाती थी मेरे प्रोस्पेक्ट को। तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि मैं कैसे एक्स्ट्रा पैकेजिंग कर सकती हूँ उसको, अच्छे से पैकेजिंग करना मैंने स्टार्ट किया। 26,000 का किट तो सेम है, लेकिन हम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मेरी पर्सनल मेंटरशिप के साथ में मैं ऐसा क्या प्रोवाइड कर सकती हूँ जो मेरे प्रोस्पेक्ट के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल रहेगा। फिर जब से मैंने वो उसको एड ऑन करना स्टार्ट किया, वो क्लोजिंग में मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करने लगा। एक सबसे बड़ा एक रेजिस्टेंस, एक प्रॉब्लम और मुझे लगा था स्टार्टिंग में। जब मैं पहले कॉल पे बात करके कुछ सेशन में बैठाती थी तब मुझे एक पर्सनल एक चीज फील हुई कि कोई भी प्रोस्पेक्ट अगर मेरे यूट्यूब चैनल से आ रहा है और अगर मैं डायरेक्टली वन टू वन मीटिंग में नहीं बैठ रही हूँ, मुझे लोग नहीं देख रहे हैं, मेरी जगह आपको देख रहे हैं या शुभम सर को देख रहे हैं, तो इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता है। अगर वहीं अगर मैं वन टू वन मीटिंग करने लगूँ तो वहीं क्लोजिंग रेशियो बढ़ जाएगा। तो ये एक क्लोजिंग के अंदर मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है कि कोई भी अगर मेरे को यूट्यूब चैनल से देख रहा है तो मैं डायरेक्टली, कोई मुझे अप्रोच करता है डायरेक्टली, मैं वन टू वन मीटिंग वाले फनल में लेकर आती हूँ, जिससे लोगों को जब वन टू वन सुनते हैं ना, वन टू वन लोगों की प्रॉब्लम पे बात करते हैं, तो लोगों को भी लगता है कि कोई उनकी बात सुन रहा है, उनको अटेंशन दे रहा है। और जब हम लोगों को सुनते हैं, जैसे विक्रम ने भी शेयर किया, तो जब लोगों को हम सुनना स्टार्ट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम हमें पता पड़ती है ना, तो हम उनको अच्छे तरीके से सोल्यूशन दे सकते हैं, हम अच्छी तरीके से पैकेजिंग करके हमारा ऑफर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्लोजिंग का बहुत ही अच्छा क्लोजिंग टिप है कि सामने वाले को अच्छे से सुनो, एनालिसिस करो और उसको नोट डाउन करके उनको दोबारा से पढ़ के बताओ। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, कोई भी किससे बात करती हूँ उनमें क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हो, कैसे मैं उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एक चीज और यहाँ पर एड ऑन करना चाहूंगी कि लाइक बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे जो जॉब कर रहे हैं तो नेट मार्केटिंग में लोग क्या करते हैं, लोगों की ना जॉब छुड़वाने में लग जाते हैं। कोई स्टूडेंट है तो उसको बोलेंगे कि पढ़ाई वढ़ाई में क्या रखा है, जॉब में क्या रखा है। लेकिन हमें एज अ नेटवर्क मार्केटर, प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर, हमें समझना होगा कि अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसके साइड बाय साइड अगर वो इनकम देखना चाह रहा है, साइड इनकम की तरह अगर नेट मार्केटिंग को देख रहा है, तो हम किस तरीके से उसकी हेल्प कर सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि जॉब को छुड़वाने में लग जाते हैं तो इंसान और चिढ़ जाते हैं, लेकिन वहीं हम उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी बात समझ कर हम कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं। जॉब के साथ साथ में अगर 2 घंटा करना चाह रहा है, 1 घंटा करना चाह रहा है, तो हमारी सर्विसेज क्या है, मैं वो सर्विसेज उनके सामने रखती हूँ, जिससे कि सामने वाला खुद बोलता है कि हाँ मुझे करना है। और फॉलोअप के लिए मैं केवल उनसे ही टाइम लेती हूँ कि कैसे, लाइक किस टाइम पर वो अवेलेबल होंगे। तो ये भी मेरी क्लोजिंग में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। और एक चीज और, व्हाट्सएप स्टोरीज के थ्रू मैं रेगुलरली कोल्ड फॉलोअप करती हूँ, तो ये भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा क्लोजिंग में हेल्प कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड। तो चंचल का जो सबसे बेस्ट, जो मुझे लगता है इनका जो एक फॉर्मूला जो इनके लिए काम करता है वो है व्हाट्सएप स्टोरीज। आप कभी भी इनकी स्टोरी देखेंगे, मैं कभी भी देखता हूँ तो कम से कम 5-6 स्टोरी तो पड़ी होती हैं और सारी बड़ी इंटरेस्टिंग से होती आ रही है। कुछ ना कुछ चल रहा है, आ रही, किसी ने प्रोडक्ट ले लिया, आ रही, किसी ने ज्वाइन कर लिया, है ना? तो काफी लोग क्यूरियस होते हैं उससे। नाइस, ग्रेट।